व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, इसकी डिमांड क्या है, दुनिया को क्यों डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, इसका रोल क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या काम करता है, क्या स्किल्स चाहिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, हम डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, हमें क्या अप्रोच यूज करने चाहिए, क्या टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने चाहिए एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, और आखिरी में बात करने वाले डेवऑप्स इंजीनियर की एवरेज सैलरी क्या होती है। पता चलेगा कि एक एवरेज डेवऑप्स इंजीनियर बहुत ज्यादा कमाता है एज कम्पेयर टू अदर आईटी जॉब्स या टेक्नोलॉजी। डिमांड ऑफ डेवऑप्स, डेवऑप्स की डिमांड क्यों आई, क्यों इंडस्ट्री डेवऑप्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करने लगी। 1960s से मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से 4 दशकों तक वाटरफॉल मॉडल ने इंडस्ट्री पर राज किया। अब ये पूरा प्रोसेस रिक्वायरमेंट लेने से लेके प्रोडक्ट डिलीवर करने तक करीब 6 महीने से 1 साल लेता था। उसके अलावा सबसे बड़ी खराबी क्या थी, उस मॉडल में हर टीम अपने आप में काम करती थी, किन्हीं 2 टीमों को नहीं पता होगा कि दूसरी टीम क्या कर रही है। तो उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए, डेवलपर टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन उनके लैपटॉप में सही चल रही है, जो उन्होंने वो एप्लीकेशन बनाई वो एप्लीकेशन सपोज उसके लिए जावा, एंजिनिक्स, उबंटू। अब सपोज कीजिए एप्लीकेशन बनाई जावा 2.0 का यूज करके, अब एप्लीकेशन टीम जाओ ऑप्स टीम से बोला कि हमारा कोड डिप्लॉय कर दो एनवायरनमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑप्स टीम एप्लीकेशन टीम या डेवलपमेंट टीम से कह रही है, हम आपका कोड डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन डिजाइन की है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही। अब इससे क्या होगा, डेव टीम पुश करेगी ऑप्स टीम को, ऑप्स टीम पुश करेगी डेव टीम को, अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट कस्टमर को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे एंड कस्टमर विल नॉट सी एनी वैल्यू कमिंग आउट ऑफ आईटी। दोस्तों आईटी का मेन काम होता है टू हेल्प द बिजनेस, हम कैसे बिजनेस की मदद करें से बिजनेस ग्रो कर सके, बिजनेस अपने कस्टमर्स को और अच्छे से हेल्प कर सके। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, डेवलपमेंट टीम सपोज जावा पे कोड लिख रही है, टेस्टिंग टीम को कोई आइडिया नहीं टेस्ट केस किस प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज में लिखने हैं, तो इन सब फ्रिक्शन की वजह से अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट कस्टमर को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते थे। जब टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहा था तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी, जो आपने प्रोजेक्ट सोचा है 6 महीने में कंप्लीट होना है, अगर वो 1 साल में कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ती है और क्वालिटी नहीं आती तो कंपनी सोचती है हम क्यों इतना आईटी पर स्पेंड करें। डेवऑप्स 4 चीजों से बना है, उसका पहला मूलभूत सिद्धांत है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने पहले समझाया क्रॉस टीम कोलैबोरेशन। हम डेवऑप्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सारी टीम एक साथ काम करे, जिससे हम प्रोडक्ट टाइम पे कस्टमर को डिलीवर कर पाए, जिससे बिजनेस को लगे आईटी वैल्यू ऐड कर रहा है। डेवऑप्स वर्ल्ड आप देखिए 2 वर्ड से बना है, डेव एंड ऑप्स। डेवऑप्स का पहला सिद्धांत ये है कि दोनों डेव टीम एंड ऑप्स टीम आपस में एक साथ काम करे और उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो, वो लोग कोलैबोरेशन से काम करें सो दैट प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन द फास्टेस्ट टाइम। उसके अलावा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेवऑप्स क्या है, कंटिन्यूअस ऑटोमेशन। अब आप देखिए आज के जमाने में हम चाहेंगे कि हम अपना मैनुअल वर्क कम से कम करें, कैसे चीजों को ऑटोमेट करें, चाहे डिप्लॉयमेंट हो, चाहे अपना डेवलपमेंट हो, चाहे कोई एरर कोडिंग हो, कुछ भी आप सिनेरियो लीजिए, तो डेवऑप्स में हम देखते हैं कैसे हमें मैनुअल टास्क कम से कम किया जाए, कैसे हम चीजों को ऑटोमेट करें जिससे हमारी लाइफ आसान हो सके, कंटिन्यूअस ऑटोमेशन। तीसरा, उसी से जब ऑटोमेट करते हैं तभी हमारे पास फेलियर्स के केसेस कम आते हैं, क्यों, क्योंकि हम चीजें अगर ब्रेक भी होती है तो उसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देते हैं। अब आप एक एग्जांपल और लीजिए कंटिन्यूअस ऑटोमेशन का, आपने कोई कोड बनाया है, आपने कोई कोड लिखा, उस कोड को कैसे हम ऑटोमेटिकली कंपाइल करें, कैसे उसको ऑटोमेटिकली पैकेज करें जिससे कोड जल्दी से डिप्लॉय हो सके, एक और सिद्धांत है डेवऑप्स का जो ऑटोमेशन के साथ हमें मदद मिल रही है, तभी जो हमारा कोड है डेवऑप्स वो 30 times मोर फ्रीक्वेंट डिप्लॉय होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल्स। तीसरा डेवऑप्स का मूलभूत सिद्धांत है राइट ब्लेंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। हमने बात की ऑटोमेशन की, हमने बात की कि सारी टीम एक साथ काम करे, वो कैसे होगा, जब हम राइट सेट ऑफ टूल्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तभी हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। चौथा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जब मॉनिटरिंग होगी तभी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बना सकते हैं। देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी सिस्टम 100% एरर प्रूफ नहीं होता, चीजें ब्रेक होंगी, इश्यूज आएंगे, पर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की खासियत यही है कि पहले वो इश्यूज उससे पहले डिजास्टर बने, हम नोटिफाइड हो, कोई प्रोएक्टिव एक्शंस लें और उनको करेक्ट कर सके। अब आप एग्जांपल लीजिए, आपने कोई एप्लीकेशन डिजाइन किया और आपकी एप्लीकेशन SQL डेटाबेस या सपोज कीजिए मोंगो डेटाबेस में लॉक्स लिख रही है, जब लॉक्स लिखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई होगा, एक टाइम आएगा जब आपका डेटाबेस फुल होने वाला हो, अगर डेटाबेस 100% फुल हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन वहीं पर हंग हो जाएगी, आप कभी नहीं चाहेंगे, और मैनुअली प्रोसेस नहीं कि रोज हम लॉगिन में चेक करें कि आज इतने परसेंट स्पेस यूज हुआ है, कल को कितने परसेंट यूज होगा, तो इससे अच्छा क्या है अगर हम कोई अलर्ट सेट करें कि अगर हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन उस डेटाबेस पे 85% क्रॉस करता है या 90% क्रॉस करता है तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाए,
नोटिफिकेशन कैसे आएगी? इट कैन बी एन एसएमएस, ईमेल अलर्ट, या सर्विस नाउ टिकट, कोई सा आईटीएसएम टूल, या वेबहुक नोटिफिकेशन थ्रू स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो उस सब सहायता से कि वो डिजास्टर बने उससे पहले हम कुछ प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। जैसे इस केस में हम या तो कुछ स्पेस क्लियर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की बात करते हैं, हम मॉनिटरिंग की करते हैं हर कंपोनेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सर्वर हो, चाहे डेटाबेस हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कुछ भी हो, या पाइपलाइंस हो, हर चीज हमारी मॉनिटर होना चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल की वजह से हमारे डेवॉप्स की डिमांड बढ़ी। एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी, डेवॉप्स में एजिलिटी इज वन ऑफ द मेन कंसर्न। आप देखिए, आपने कोई एप्लीकेशन डिजाइन की है, आपकी एप्लीकेशन कितनी स्केलेबल है, आप कितने फ्रीक्वेंटली में चेंज डिप्लॉय कर सकते हैं, ये डेवॉप्स की सहायता से बहुत ही आसानी से अचीव हो सकता है, जिस वजह से डेवॉप्स बहुत पॉपुलर होने लगा। आप कोई भी चेंज बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत रैपिड डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेजॉन कंपनी एवरी 11.6 सेकंड, 30 सेकंड से भी कम समय में हर एक चेंज डिप्लॉय करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनवायरमेंट। वो कैसे पॉसिबल है? अगर वो वाटरफॉल मॉडल फॉलो कर रही थी, क्या वो कर पाती? क्योंकि वो डेवॉप्स आर्किटेक्चर फॉलो करती है, पूरा प्रोसेस उनका एक ऑटोमेटेड है। एक बार डेवलपर ने कोड लिख दिया, उसके बाद कंपाइल होना, पैकेज होना, टेस्टिंग होना, फिर लोअर लाइफ साइकिल डिप्लॉय होना, फिर प्रॉड में होना, वो पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस, तभी वो एवरी 11.6 सेकंड्स ऑन एवरेज एक कोड डिप्लॉय कर पाते। इन्हीं सब कारणों की वजह से डेवॉप्स आज की तारीख में इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसको और अच्छे समझाने के लिए हमने केस स्टडी लिया है एक कंपनी एलिस। सो एलिस एक होटल मैनेजमेंट चेन है वर्ल्ड वाइड, जो बहुत फेमस चेन है होटल्स की। सो एलिस क्या करती थी, जो भी उनके गेस्ट आ रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट है, वो एक फोन पे ट्रैक करती थी। एसएमएस से हो सकता है, या फोन पे हो सकता है, या इन पर्सन हो सकता है। अब इसमें उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, तो एलिस ने क्या किया, सारी रिक्वेस्ट यूजर्स एक फोन पे रखते थे, अब उस रिक्वेस्ट को फोन से उनका मैनेजर एक्सेस करते थे, या गेस्ट जो भी रेस कर रहे हैं, उसके बाद वो एम्प्लॉयज को जाती थी कि सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। अब आप देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट मीन्स ना वो तो ऑटोमेशन फॉलो करते थे, ना उनके पास कोई मॉडर्न डे डिप्लॉयमेंट अप्रोच था, जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, उनके पास ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि स्केलेबल हो। अब कंपनी ग्रो करेगी तो उसमें रिक्वेस्ट ज्यादा आएंगी, रिक्वेस्ट ज्यादा आएंगी तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल बनाना पड़ेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो अपडेट कर सके अपने आपको विद द मॉडर्न डे चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें? तो एलिस कंपनी को बहुत ट्रबल होने लगी, वो देखने लगी गेस्ट रिक्वेस्ट रेज करते थे, उनकी गेस्ट की रिक्वेस्ट सॉल्व नहीं हो पाती थी। जब आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में से होटल्स में, सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपके गेस्ट आपको क्या रेटिंग दे रहे हैं। जब आप गेस्ट को हेल्प नहीं कर पा रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस बहुत इंपैक्ट होगा। तो ये होटल मैनेजमेंट चेन है, इसको सॉल्यूशन ढूंढना था, कैसे हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके लिए इन्होंने डेवॉप्स मेथोलॉजी अप्रोच करी। सबसे पहला काम इन्होंने ऑटोमेशन स्टार्ट किया कि हम चीजों को कैसे ऑटोमेट करें। ऑटोमेट करेंगे तो जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने जो उनका ट्रेडिशनल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, उसको माइक्रो सर्विसेज या कंटेनर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। उसके अलावा जो भी वो डेवलपमेंट करते थे, डेवलपमेंट से डिप्लॉयमेंट तक का टाइम उनका जो पहले महीनों था, अब कुछ दिनों का रह गया। तो इन सब अप्रोचेस की वजह से वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे सर्व कर पाए। और ये सारी अप्रोचेस डेवॉप्स का मूलभूत सिद्धांत है, डेव साइड में डेवलपमेंट, ऑप साइड में सारा ऑपरेशन, तो उसको ऑटोमेट करना या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट थे जब उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या क्या देखा डेवॉप्स इंजीनियर में, किसी किसी को डेवॉप टूल्स की जानकारी हो, किसी ने कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर काम किया हो। जनरली आप देखेंगे डेवॉप्स की ज्यादातर टूल्स और टेक्नोलॉजी लाइनक्स बेस्ड है, चाहे वो लाइनक्स हो सकता है, उबंटू, सेंटोएस, सुसी ओएस, विंडोज बेस्ड भी है बहुत कम। तो एक लाइनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना भी बहुत अनिवार्य है, चाहे वो आपकी पाइथन हो, चाहे शेल स्क्रिप्टिंग हो, चाहे गोलैंग हो, कोई भी हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने देखा कौन से लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या कंटिन्यूस डिलीवरी कर पा रहे हैं, तो जो कि डेवॉप्स पाइपलाइन का मूलभूत सिद्धांत, उसको हम बोलते हैं CI/CD। तो ये सब स्किल सेट वो लोग देख रहे थे एक डेवॉप्स इंजीनियर के लिए जिन्होंने हायर किया। अब आपको बताते हैं डिमांड ऑफ डेवॉप्स इंजीनियर्स की, आज की तारीख में डेवॉप्स इंजीनियर कितनी डिमांड है मार्केट में, या क्या ट्रेंड है। हमने कुछ कंपनीज का आपको यहाँ बताया, जैसे HP, टेस्ला, जितनी फॉर्च्यून 500 कंपनी है, ये सारी की सारी कंपनियां डेवॉप्स इंजीनियर्स को देख रही हैं। अब देखिए HP को ऐसे चाहिए रिक्वायरमेंट है कि नीड डेवॉप्स इंजीनियर जिसको रिलेवेंट टूल्स हो। तो डेवॉप्स का जैसे आपको बताया था एक प्रिंसिपल है, राइट ब्लेंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। एज ए डेवॉप्स इंजीनियर आपको एंड टू एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई एक या दो टूल्स आप समझ के, प्रोडक्ट समझ के, आप एक एफिशिएंट डेवॉप्स इंजीनियर नहीं बन सकते। आप देखेंगे जितनी भी हमने कंपनियां डाली हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, इनमें सब में डेवॉप्स के रिक्वायरमेंट है, यूजिंग सम वर्चुअलाइजेशन या स्ट्रेटजी, एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग। ये सारी स्ट्रेटजीज वो हैं जब आपको एंड टू एंड डेवॉप्स आता हो, कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स एंड प्रोडक्ट्स।
अब किसे डेवॉप्स इंजीनियर कहते हैं? हमने भी डिस्कस किया डेवॉप्स क्यों चाहिए, इसको एक्चुअली हम डेवॉप्स इंजीनियर कहते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेवॉप्स रोल्स, ठीक है, कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक सिक्योरिटी इंजीनियर है, एक क्यूए प्रोफेशनल है, एक ऑटोमेशन आर्किटेक्ट है, ये सारे के सारे वन वे और अदर डेवॉप्स इंजीनियर प्रोफाइल में फिट होते हैं। जब आप डेवॉप्स के लिए काम करते हैं तो आप डेवलपर के, आई यू इंटरैक्ट विद डेवलपर, जब डेवॉप्स के लिए काम करते हैं आप ऑटोमेशन की तरफ देखते हैं, जब डेवॉप्स के लिए काम करते हैं तो आप टेस्टिंग ऑटोमेट करने की सोचते हैं, जब डेवॉप्स में पाइपलाइन बनाते हैं तो सिस्टम कैसे सेफ हो आप उसकी तरफ देखते हैं, जब डेवॉप्स में काम करते हैं तो हमारा डिप्लॉयमेंट कैसे पहले डेव में जाए, फिर क्यूए में जाए, फिर प्रॉड में जाए, उसके लिए आप रिलीज मैनेजर, तो ये सारे स्किल सेट कंबाइन करके एक एफिशिएंट डेवॉप्स इंजीनियर को बनाते हैं। एक डेवॉप्स इंजीनियर ऑटोमेशन भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, सिक्योरिटी पर भी ध्यान देता है, चेंज कंट्रोल प्रोसेस भी करता है कि पहले चीजें डेव में जाएं, फिर क्यूए में, फिर फ्रॉड में, तो उसको आइडियली हम एक डेवॉप्स इंजीनियर कहते हैं। अब डेवॉप्स इंजीनियर का रोल क्या है? किसी भी कंपनी में कोई कोड एक डेवलपर नहीं लिखता है, कोड लिखा जाता है मल्टीपल डेवलपर्स के द्वारा। जब डेवलपर्स कोड लिखते हैं तो उस कोड को मेंटेन करना होता है एक कोड बेस्ड रिपोजिटरी, जिसको हम बोलते हैं वर्जनिंग या वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करना इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवॉप्स इंजीनियर, जिसको मेंटेन करते हैं यूजिंग कोड लाइक गिट या बिटबकेट। उसके अलावा कैसे चीजों को हम ऑटोमेट करें, उसको मैनेज करते हैं यूजिंग कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवॉप्स इंजीनियर। कैसे हम अपना बिल्ड प्रोसेस ऑटोमेट करें, बिल्ड प्रोसेस में क्या आता है, कंपाइलिंग, पैकेजिंग, कोड रिव्यू, कोड एनालिसिस, वो एक डेवॉप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियां तो हाइब्रिड क्लाउड या मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हैं, जिसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह क्लाउड पे होता है, या थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे, थोड़ा ऑन प्रमाइस पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे क्लाउड्स पे होता है। उन क्लाउड एनवायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, वो एक डेवॉप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जब हमारा कोड क्यूए में डिप्लॉय हो गया है, उसके बाद डेव में डिप्लॉय हो गया है, फिर क्यूए में करें, फिर प्रॉड में करें, तो उस डिलीवरी प्रोसेस पाइपलाइन को मेंटेन करना, ये भी एक डेवॉप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब बात करते हैं स्किल्स। हमने बात की अभी तक डेवॉप्स इंजीनियर किसे कहते हैं, डेवॉप्स इंजीनियर क्यों जरूरत पड़ी, अब बात करते हैं हमें क्या स्किल सेट चाहिए एक एफिशिएंट डेवॉप्स इंजीनियर्स को बनने के लिए। सबसे पहली बात आप देखिए SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट। जैसे हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया, एक डेवॉप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोर्स कोड मैनेजमेंट या वर्जनिंग को मेंटेन करे, क्योंकि किसी भी कंपनी में कोड एक ना नहीं लिखता, कोड लिखा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं। अब जब मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे वो इतना डेवलपर आपस में कोलैबोरेट करें। उसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी डेवलपर ने अगर कोई चेंज किया, कैसे पता चले किसने चेंज किया, क्यों चेंज किया, कब चेंज किया। उसके अलावा पैरेलल डेवलपमेंट, सपोज कीजिए आपकी एप्लीकेशन का कोई कोड चल रहा है इस समय, बोलिए जैसे V1 कोड आपका भी डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में है, आप उस एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप सीधे प्रोडक्शन कोड में आप मॉडिफाई करेंगे तो चांसेस हैं कुछ ब्रेक होगा, तो आपका कोड एप्लीकेशन डाउन हो सकती है, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी इंपैक्टेड हो सकती है। उसके अलावा अगर आप पैरेलल डेवलपमेंट करते हैं कि सीधे आप चेंज प्रॉड में ना करके उस प्रॉड पाइपलाइन या प्रॉड ब्रांच को मास्टर ब्रांच करते हैं, किसी और ब्रांच में करें, और जब आपको लगे कि आपके सब चेंजेस सही जा रहे हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट है, तब आप उसको मास्टर में डिप्लॉय करें, तो आपको कोई एरर या इशू नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं पैरेलल डेवलपमेंट या ब्रांचिंग टेक्निक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है डेवॉप्स इंजीनियर के लिए टू मेंटेन एंड मैनेज। उसके अलावा मेक, बिल्ड एंड टेस्ट। तो जैसा हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था, डेवॉप्स में डेव और ऑप्स टीम्स को एक साथ काम करना होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है, यूजिंग टूल्स लाइक जेनकिंस। आप जेनकिंस कह सकते हैं हार्ट या हार्ट ऑफ द एंटायर डेवॉप्स पाइपलाइन, डेवॉप्स प्रोसेस। जेनकिंस एक प्लग इन बेस्ड टूल है, जेनकिंस प्लग इन होते हैं जिसके सहायता से डिफरेंट डिफरेंट डेवॉप्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे जेनकिंस की सहायता से हम गिट, जो हमारा SCM स्किल सेट है, या सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। जेनकिंस की सहायता से एंसिबल या पपेट, जो हमारे कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल है, उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम जेनकिंस की सहायता से एजोर VM या AWS VM या गूगल क्लाउड VM को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम यूजिंग जेनकिंस करते हैं। अब जेनकिंस में जैसे अब आपने एग्जाम्पल लिया, आपने एक डेवलपर है, आपने अपना कोड डाला सोर्स कोड मैनेजमेंट जैसे हमारे गिट में, उसके बाद हमें चीजें ऑटोमेट करनी है, जैसे कंपाइलिंग, पैकेजिंग, कोड रिव्यू, कोड एनालिसिस, टेस्टिंग, वो सब हम करते हैं यूजिंग CI टूल्स लाइक जेनकिंस। जेनकिंस हमारा एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जिसमें आपका एक मास्टर VM होता है, मल्टीपल स्लेव नोड्स होते हैं। आप जब जेनकिंस में पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए आप मल्टीपल टास्क क्रिएट करते हैं। हम टास्क, आइटम, जॉब, इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं, और ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं।
इनका एक ही मीनिंग होता है और अगर जेंकिंस पर काम करेंगे आप देखेंगे ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो जब आप अपना आइटम या जॉब या टास्क क्रिएट कर रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस वीएम पर मेरी टास्क रन, ये जेंकिंस में बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। जेंकिंस एपीआई को सपोर्ट करता है, तो जेंकिंस की पावरफुल रेस्ट एपीआई है, उसके थ्रू भी आप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट कि आपको नोटिफाई हो जाए कि आपकी जॉब सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, आप अपनी जॉब स्केड्यूल कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यूजिंग मेक बिल्ड एंड टेस्ट। तीसरा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एक डेवऑप्स इंजीनियर को एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल की आना बहुत जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल आप कह सकते हैं बहुत सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे पुश बेस्ड या पुल बेस्ड। जब हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि चीज़ों को कैसे ऑटोमेट करें, क्या चीज़ों को सिंपलर करें, कैसे अपना डिप्लॉयमेंट सरल करें, वो सब चीज़ें आती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में। एक डेवऑप्स इंजीनियर को यह सब चीज़ आना बहुत जरूरी है। आप देखिए आपके पास हजारों सर्वर्स होंगे, आप कैसे हजार सर्वर को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उनका डिप्लॉयमेंट आप इजी कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना हो, कोई चेंज करना हो, उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं। उसके बाद अगली स्किल चाहिए क्लाउड मैनेजमेंट। आज की इंडस्ट्री में क्लाउड एक बहुत ही हैपनिंग वर्ड है, हर कंपनी का कुछ फुटप्रिंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर है, चाहे वो थोड़े वीएम्स हो, चाहे डेटाबेस हो, चाहे सर्वर्स हो, चाहे एप्लीकेशन हो। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको आना चाहिए कैसे हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करें, कैसे हम उसको स्केलेबल बनाएं, कैसे उसको एफिशिएंट करें। आज की तारीख में तो कंपनीज का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रमाइस होता है, कुछ क्लाउड होता है, या कुछ बहुत सारे क्लाउड वेंडर्स पे होता है, जैसे थोड़े सर्वर्स आपके AWS पे होंगे, थोड़े आपके Azure पे होंगे, थोड़े गूगल पे होंगे। तो कैसे इस एनवायरमेंट को हम इजिली मैनेज करें, कैसे हम इजिली इसमें कॉस्ट बचाएं, कैसे उसको स्केलेबल करें, अपनी एप्लीकेशन कैसे मोस्ट एफिशिएंट वे में डिप्लॉय करें, उसके लिए क्लाउड मैनेजमेंट एक बहुत असेंशियल स्किल है अगर आप बात करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। उसके अलावा ऑटोमेशन जैसे मैंने आपको बताया चीजें कैसे सरल की जाएं, कैसे हम अपना कोड इजिली पुश कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, कैसे हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम पुश पुल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, एंसिबल, पपेट, शेफ सॉल्ट। सो ऑटोमेशन स्किल्स आना बहुत जरूरी है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। सो पांच प्रमुख स्किल्स डेवऑप्स इंजीनियर को आनी चाहिए, उनमें SCM स्किल्स, मेक बिल्ड टेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्लाउड मैनेजमेंट और ऑटोमेशन। कुछ और स्किल्स अगर आपको आती हो तो बहुत अच्छा है, जैसे ऑपरेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल। ऑपरेशन स्किल्स, नॉलेज मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज हो तो इट्स ए बिग एड ऑन। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स जो बेसिकली, एनालिटिकल स्किल, आप कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये एडिशनल स्किल्स हैं, अगर आपके आती हो तो बहुत अच्छा है। पर जो कोर स्किल्स हैं वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी। अब बात करते हैं आप एक एफिशिएंट डेवलपमेंट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, आपको क्या पाथ होना चाहिए। सबसे पहले वर्जन कंट्रोल आपको जानना चाहिए, कोई वर्जनिंग टूल जैसे गिट, बिट बकेट, सब वर्जन। गिट इस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर टूल है और दुनिया की 85-90% कंपनीज गिट यूज करती हैं एज देयर वर्जन कंट्रोल। उसके अलावा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कैटेगरी में जनरली दो मोस्ट फेमस प्रोडक्ट हैं, जेंकिंस एंड बैम्बू। जेंकिंस बाई फार बहुत पॉपुलर है एज कम्पेयर टू बैम्बू। जेंकिंस की सहायता से हम कुछ चीज़ें अपनी ऑटोमेट करते हैं, लाइक बिल्ड प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस। हम जब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कुछ बिल्ड ऑटोमेशन टूल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंट, मेवन, ग्रेडर, ये कुछ बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो हमारे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का पार्ट है। उसके अलावा अगला है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बेसिकली चार टूल सबसे फेमस हैं, एंसिबल, पपेट, शेफ सॉल्ट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से हम चीज़ें ऑटोमेट करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, सपोज आपको एक सिनेरियो लीजिए, आप अपने कंपनी में 100 सर्वर है, 100 में 90 लिनक्स मान लीजिए, 10 विंडोज मान लीजिए। अगर उनमें आपको कुछ चेंज करना है या कुछ सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, आपका दो ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली कीजिए जो कि बहुत एक टाइम टेकिंग टास्क है और उसमें गलतियाँ भी हो सकती है, जब हम इंसान कुछ करता है तो उसमें गलती होने की चांस होती है। दूसरा, आपको स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप विंडोज के लिए लिखेंगे पावर शेल में स्क्रिप्ट, लिनक्स से लिखेंगे शेल में या पाइथन में स्क्रिप्ट। अब दोनों केसेस में आपको दो इंजीनियर चाहिए जिनको एफिशिएंट प्रोग्रामिंग नॉलेज आती हो। अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं तो आप किसी भी एक टूल को यूज करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना कोड पुश या डिप्लॉय करते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत। तो अगर आप ये टूल यूज करें तो आपको विंडोज के लिए लाइन से सेपरेट कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही को यूज करके आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। इस कोड को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, दैट मींस राइटिंग कोड टू मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग, नॉलेज अबाउट क्लाउड सिस्टम्स लाइक AWS, Azure, गूगल क्लाउड, क्योंकि आज की तारीख में जैसे हमने पिछले बताया था कंपनियां क्लाउड पर जा रही, तो क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड मॉनिटरिंग, क्लाउड स्क्यूलिंग, ये सब का आना बहुत जरूरी है। अगला ऑटोमेशन, कैसे हम चीज़ों को ऑटोमेट करें कि हमारा पहले डिप्लॉयमेंट डेव में हो, डेव में सक्सेसफुल हो तो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग में हो जाए, फिर प्रॉड में हो जाए, इसके लिए भी हम टूल्स लाइक एंसिबल या शेफी यूज करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और ऑटोमेशन कैटेगरी में जनरली हमारे टूल सेम रहते हैं।
अब बात करते हैं सैलरी की। अभी तक हमने बात की कि डेवॉप्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्यों डेवॉप्स चाहिए, हमने कुछ यूज केस एग्जांपल देखे। अब बात करते हैं एवरेज डेवॉप्स इंजीनियर कितना कमाता है। तो आप देखिए, हमने अपनी सैलरी को ब्रेक डाउन किया है मल्टीपल क्राइटेरियाज में, आपके एक्सपीरियंस पे, आप दुनिया के किस पार्ट ऑफ द ग्लोब में काम कर रहे हैं, और आपकी टीम का साइज क्या है। ऑन एवरेज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा इंजीनियर्स की सैलरी $1,00,000 से ज्यादा है डेवॉप्स। अब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन की ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी एंड टीम साइज। अब आप देखिए ज्योग्राफी वाइज, अगर आप एशिया रीजन में काम कर रहे हैं तो एक डेवॉप्स इंजीनियर की एवरेज सैलरी $25,000। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ अमेरिका में काम कर रहे हैं तो एक डेवॉप्स इंजीनियर की सैलरी $100,000 से ज्यादा है। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो अराउंड $85,000 आपकी एवरेज सैलरी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीम साइज, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, 100 से ज्यादा मेंबर हैं, तो वहाँ एवरेज सैलरी $1,04,000 है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 मेंबर्स के आसपास हैं तो एवरेज सैलरी करीब $1,10,000 है। तो आप ये देख सकते हैं टीम साइज के हिसाब से एवरेज डेवॉप्स सैलरी क्या है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो आप देखिए इवन फ्रेशर जो इंडस्ट्री में नया जाता है उसकी भी डेवॉप्स में एवरेज सैलरी 65,000 से 91,000 के ब्रैकेट में आती है, जो कि बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल आईटी इंजीनियर के एवरेज सैलरी से। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कोई एक्सपीरियंस 1 to 10 years जो मिड साइड में आता है, उसमें मिनिमम सैलरी $1,01,000 है और मैक्सिमम $1,11,000। तो देखिए बहुत बड़ा ब्रैकेट है। और अगर आप 10 प्लस या सीनियर कैटेगरी में आते हैं तो आपकी सैलरी करीब $1,50,000। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेवॉप सबसे ज्यादा पेड टेक्नोलॉजी में से एक है आज की तारीख में आईटी इंडस्ट्री में। ये आपको बता सकते हैं कितनी डिमांड होगी, जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी उसी में आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो एक समरी हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की डेवॉप की डिमांड इतनी क्यों है, किसको हम डेवॉप्स इंजीनियर कहते हैं, हमने उसके रोल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया क्या स्किल्स चाहिए डेवॉप्स इंजीनियर को बनने के लिए, हमने डिस्कस किया सैलरी स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया, ज्योग्राफी, एक्सपीरियंस, टीम साइज, और हमने डिस्कस किया क्या टूल्स और टेक्नोलॉजी हमें आने चाहिए, तो बोलते हैं क्या लर्निंग पाथ हमारा होना चाहिए डेवॉप्स सीखने के। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, धन्यवाद।